हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? और आज मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आज का दिन क्या स्पेशल है। आज मेरे सलून की एनिवर्सरी है, आज मेरे सलून को 20 साल पूरे हो गए हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं सुबह से ही कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं आज फुल डे बहुत एक्साइटेड रहना चाहती हूँ, तो बस मैंने सोचा कि चलो आज अपना एक ब्लॉग बना देती हूँ कि मेरे 20 साल मैंने अपने सलून में कैसे निकाले। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इस दिन का कितना बेसब्री से वेट करती हूँ। आज के दिन मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है। आज 10 नवंबर है, 10 नवंबर को हमारे सलून को 20 साल पूरे हो रहे हैं। आज मैं फुल डे बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। मैं आज के दिन मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और मैं आपको पूरा ब्लॉग बताऊँगी। अभी सुबह सुबह का दिन था, आज मैं एक्सरसाइज करके उठी हूँ और मेरा जो रूटीन है वही मैं रूटीन आप लोगों को बता रही हूँ। मैं अपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ, जो भी मुझे वॉक करना होता है या एक्सरसाइज योगा वगैरह करती हूँ। उसके बाद मैं आंवला ग्लोए और तुलसी एलोवेरा का जूस पीती हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और मुझे लगता है कि सच में उसको पीने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो मैं बहुत टाइम से वो पीती हूँ। उसके बाद अब थोड़ा सा कुछ घर का काम देखूँगी, उसके बाद नहाऊँगी और दम अपने सलून में फिर पहुँचूँगी जब तक हमारे डेकोरेशन वाले भी आ जाएंगे। तो आज मैं आपको अपना ब्लॉग में ये सब दिखाऊंगी कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया, मेरे मुझे कौन कौन विश करने आया, कौन कौन मेरी खुशी में शामिल हुआ, वो मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी मुझे दिल से बहुत विश करें कि एक ऐसा होता है ना कि एक किसी भी बिजनेस को इतने लंबे समय तक एक लेडीज़ के लिए इस्टेब्लिश करना ये बड़ा चुनौती भरा होता है। तो मेरी लाइफ में भी वो सब चुनौतियाँ थीं और 20 साल मैंने निकाले और सच में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे 20 साल कैसे निकल गए। बहुत ही सुंदर समय मैंने अपने सलून में पास किया। और एक मैं बात बताना चाहूँगी आपको कि जब हर लेडीज़ के पास टेंशन तो खैर होती ही है, तो मेरी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर जब मैं अपने सलून में जाती हूँ, मैं कितनी भी स्ट्रेस में हूँ, जब अपने सलून में आती हूँ तो मैं एकदम स्ट्रेस फ्री आती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक बहुत ही मोटिवेशन पॉइंट है। और मुझे अपने सलून में जाकर अपने सलून के गेस्ट क्लाइंट से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी पॉजिटिव बातें सुनना, उनको पॉजिटिव देखना और उनकी उनसे अच्छी अच्छी बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ और मैं सब आपको बताने वाली हूँ। आज के दिन मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक बिजनेस को शुरुआत की, बहुत छोटी सी जगह से और छोटी सी चीज़ों से। और आज मैंने संगनी की 2 ब्रांचेस डाल दी हैं, एक अलीगंज में और एक जानकीपुरम में। जानकीपुरम की ब्रांच भी हमारी 5 साल पूरी होने वाली है और अलीगंज को 20 साल हो ही रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैंने शुरुआत कैसे की और आज मैं एक अच्छे उस पर काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को देख के। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप लोगों से कि मैं चाहती हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आए, मुझे विश करें। आज धनतेरस का भी दिन है, ये बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है। और मेरे पास कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो day 1 से मेरे पास आ रहे हैं, जब हमने संगनी की शुरुआत की तब वो मेरे पास थे और आज भी मेरे पास हैं। तो मुझे बहुत ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि संगनी में आज भी वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने संगनी जब ओपन हुई थी तो उस वक्त वो मेरे पास थे। तो मैं चाहूँगी कि सभी लोग आएँ मेरे पास और मुझे अच्छे से अपनी शुभकामनाएं दे के जाएँ। और आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे आप लोगों का वेट भी रहेगा। हमारे जो भी डेकोरेशंस वाले थे वो लोग भी आ गए और बाहर वो लोग अपना काम कर रहे हैं और अंदर हमारे बैलून की सजावट के लिए भी एक डेकोरेटर आ गया, तो वो बैलून की सजावट कर रहा है। इस तरीके से सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और कुछ बच्चों ने हमारे बाहर रंगोली बहुत सुंदर बनाई थी, तो सलून के बाहर रंगोली बहुत ही खूबसूरत बनाई। इस तरीके और फिर
सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहे और पूरे दिन एक एनर्जी भरा दिन रहा। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है सैलून हमारा, बाहर से और अंदर से भी ब्यूटीफुल। जब मैंने अपना सैलून बाहर से देखा तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे सैलून के पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए, उस बीच में हमारे पास काम भी आया तो मैंने काम भी किया और बहुत काम करते करते सभी लोगों ने इन्जॉय किया। हमारे जो भी जितने भी हमारे गेस्ट थे बहुत खुश हो रहे थे कि मैम बहुत सुंदर लग रहा है आपका सैलून, और बस हमारी विशेज आपके साथ हैं। सभी लोगों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी विशेज दी और जितना भी स्टाफ था सभी ने बहुत इन्जॉय किया। ये अलग बात थी कि उस दिन फुल डे हमारे पास काम था। मैं फिर से आ गई। आज सैलून में थोड़ा सा रश था इसलिए मैं बीच की अपडेटिंग आप लोगों को कर नहीं पाई। मैंने सोचा था कि अपना मेकअप का वीडियो और मैं बहुत सी चीज़ें डालूंगी पर वो मैंने नहीं डाल पाई क्योंकि आज थोड़ा सैलून में रश था। अभी थोड़ा सा खाली हुआ है तो बस हम शूट करने लगे। तो ये मेरा लुक है, आज की जो मेरी ड्रेस है वो मैंने ये ली है, और आप बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। और अभी जो आगे की अपडेटिंग है वो मैं बताती रहूंगी आपको। अभी काफ़ी चीज़ें मेरे हाथ से मिस हो गई, काफ़ी चीज़ें निकल गई, मैं अपडेट नहीं कर पाई उसके लिए क्योंकि कोई भी मेरा स्टाफ फ्री नहीं था, सभी काफ़ी बिजी थे। तो अभी थोड़ा सा लाइट शेड्यूल हुआ है तो फिर अभी हम लोग लगभग 5 बजे के करीब हम लोग केक सेरेमनी करेंगे जो कि मैं हर साल करती हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी उससे पहले जो चीज़ें होंगी वो मैं सब आपको बताते जाऊंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी पूरी अपडेटिंग करूं अगर पॉसिबल हो सका तो। हेलो, ये मेरी फ्रेंड भारती हैं जो ये वो हैं जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से जब मैंने सैलून ओपन किया था तब से ये हमारे पास जुड़ी हुई हैं और ये सब जानती है मेरे बारे में। एग्जैक्टली तो कुछ बोलना चाहोगी भारती के लिए? डेफिनेटली, ऋतु भाभी अपने आप में एक हमारे लिए एक मोटिवेटिंग स्टार है एंड संगिनी एज अ नेम सजेस्ट ये ऐसी हमारी दोस्त है कि जिन्होंने हम लोगों को ब्यूटीफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है हर तरह से। एंड मैं मुझे लगभग 20 इयर्स हो गया है यहाँ रहते हुए एंड मैंने भाभी का एक छोटा सा पार्लर था मुझे याद है संगीनी, जिसको हम लोग पूछते भी नहीं थे अरे संगीनी। एंड नाउ आई हैव सीन फ्रॉम द स्क्रैच टू द लिमिटलेस थिंग आई हैव सीन संगीनी ग्रो लाइक दिस। तो हैट्स ऑफ टू हर एंड इनका डेडिकेशन अपने काम के लिए इतना जबरदस्त है कि ऑटोमेटिकली हम लोग खींचे चले आते हैं। हाँ भाई, नहीं भी चाह कर नहीं करा लेते हैं क्योंकि बहुत मजा आता है। सो थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। ये ऐसे ये लोग ऐसे हैं जो मुझे दिन भर मोटिवेट, जब भी आते जिस दिन आते हैं ये एकदम मुझे जोश और एकदम मोटिवेशन देके जाते हैं। तो बस ये इनकी तारीफ ये है कि बस ये बहुत मोटिवेट करती है मेरे हर चीज को, हर काम को, मतलब बहुत अच्छा बोलती तो सुन के ना बहुत एनर्जी आती है। जरूरी है। थैंक यू सो मच। ये मेरी दीदी है, मेरी बड़ी दीदी है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों लोग मेरे शुरुआत के साथी हैं और मैं तो ये जानती हूँ ये मेरे घर का पिलर है, पिलर हमारी स्ट्रेंथ है। इसने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमारे घर की सबसे बड़ी फैमिली मेंबर की बहुत बड़ी ताकत है और जो आज इस मुकाम पर है इसके लिए हम बहुत खुश हैं। ये हमारी फ्रेंड है, हम लोग इसको काफी पहले से ही मैम ने देखा है, इसने अपने आप को बहुत आगे ले गई है और ये हम लोग सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। काफी स्ट्रगल किया है इसने लाइफ में, आज जो जिस इस मुकाम पे है इसके लिए काफी इसने मेहनत की है और अब हम लोग सब इस पे प्राउड फील करते हैं। वी लव यू, वी ऑल लव हर। हम लोगों को भी बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड है जो इस मकाम पर है। इसको देख के हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, सबकी इंस्पिरेशन है हम लोगों की। बस करो। ये है मेरी भाभी जो कि पहले भी आप लोग देख चुके हो, ये मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है भाई। क्यों छोड़ गए? अब देखो 20 साल से इन्होंने मुझे कसके पकड़ा हुआ है, 20 साल हो गए इनको पकड़े हुए, अभी भी देखो कसके पकड़े हुए और ये मेरी जब मेरे सैलून की ओपनिंग हुई थी तो ये मेरे साथ थी और आज 20 साल हो गए और आज भी मेरे और हमेशा रहेंगे। हाँ, ये ट्रू वर्ड्स हैं इनके। हम लोगों में बहुत
अच्छी अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं ना, बहुत साथ साथ रहते हैं, साथ साथ लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, जंग लड़ते हैं और अच्छे खासे मतलब हर बात में नोक झोंक हो जाती है कभी कभी, बट जी तब भी आना नहीं छोड़ती है सलून जाती हूं तो ये मेरे साथ है और मैं चाहूंगी लाइफ टाइम हम लोग साथ रहे जब तक संगिनी है, संगिनी के बाद भी हम लोग सब साथ रहे, संगिनी के बाद भी। तो आप क्या कहोगे संगिनी के लिए, कुछ बोलोगे? संगिनी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो दिखता है काम दिखता है यहाँ का, तो यहाँ हम ही नहीं बाकी सभी लोग संगिनी के बारे में मेरे ख्याल से जानते ही हैं, किसी को कुछ बताने की कहने की जरूरत नहीं होती है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। आज मेरे सलून की एनिवर्सरी है, सब मेरी अच्छी तारीफ कर रहे हैं। अब ये तारीफ समझो चाहे इसकी तारीफ समझो, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है, पर ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है, बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है, जब सब लोग आके संगिनी को पसंद करते, संगिनी के लिए अच्छा बोलते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है, और तब लगता है कि नहीं, खुद को प्राउड फील होता है कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया 20 सालों में, है भाभी? हाँ, तो बस यही मेरे सब अपने हैं और सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफी थोड़ा बहुत ये भी होता है ना, जैसे अब तुम्हारा अपना सबके साथ बिहेवियर क्या है, एक वो भी मायने रखता है, है ना। बिल्कुल, अगर आप रूड हो किसी के साथ में, गलत तरीके से पेश आते हो, आपकी आपका स्टाफ अच्छा नहीं है, कोई नहीं है। मेरे स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहूँगा, स्टाफ बहुत अच्छा है, नो डाउट, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आओ तो प्यार से मिलना, प्यार से वैसे जनरली मेरे स्टाफ की बहुत तारीफ लोग करते हैं, और जो आता हुआ बोलता जरूर है कि भाई संगिनी का स्टाफ माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा है, तो मुझे ये मेरा प्राउड है कि संगिनी का स्टाफ बहुत अच्छा है, ये मेरा प्राउड है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, इसके आगे जो है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये मेरी मम्मी है और मेरी जो सेकंड ब्रांच जानकी ब्रह्म की है वो आपके यहाँ पे है, और वहीं पे मैंने अपनी जानकी ब्रह्म में सेकंड ब्रांच डाली हुई है। तो मम्मी आप कुछ मेरे बारे में बोलना चाहोगी? मुझे अपनी बेटियों पे बहुत गर्व है, तीनों बेटियों पे भी, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत ही अच्छी हैं और बहुत मेहनत करने वाली हैं, और इस बीच वाली ये बेटी है ये भी बहुत होशियार, मैं दूसरे नंबर की हूँ, हाँ दूसरे नंबर की, इसने तो बहुत ही तरक्की की है, मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है कि कम मेरी बेटी इतनी होशियार है, कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी आगे जाएगी, लेकिन लेकिन आज वो तरक्की कर रही है। मेरी मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुजी से कि मेरी बेटी है, बेटी और तरक्की पे तरक्की करे, और मेरी जो बेटी है बड़ी वाली वो भी खूब तरक्की करे, और छोटी वाली तो वो भी तरक्की करे, तरक्की करे। हम लोग तीन बहन है, तीन सिस्टर एक भाई है, इसमें मैं सेकंड नंबर की हूँ, और जो दूसरी सिस्टर है वो भी यही रहती है, तो बस तीसरी वाली हमारी सिस्टर बाहर रहती है, तो बस हम लोग ऐसे एक साथ सब रहते हैं। तो अभी मैं अपने सलोन के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा जो संगिनी की जड़ है, संगिनी को जिन्होंने स्टेबलिश करके रखा हुआ है, तो सबसे बड़ी जड़ तो यही है और बहुत मेहनती है ये निशा, जो कि आप लोग हमेशा देखते होंगे, और मैं एक बार बताना चाहूंगी जो मेरी रील्स वगैरह बनती है वो सभी यही बनाती है, लोग पूछते हैं मेरे से कि मैम आपकी रील कौन बनाता है, तो मेरी जो रील है वो निशा बनाती है, तो ये संगिनी की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, सब शायद जब जाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा, सब पूरे जितना भी स्टाफ है सबको इसने बांध के रखा है, पूरा सलून को मैनेज करती है, और मुझे बहुत इससे प्यार है, मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार है। और मैं चाहूंगी जब तक है मेरे पास रहे, और जब तक चाहिए मेरे पास रहे। जी मैम, है निशा? जी मैम। तो संगिनी की जो अलीगंज की ब्रांच है वो निशा ही संभालती है। आओ पूजा। अच्छा तुम क्या? ये पूजा है 17 साल बैक, ये जब हमारे सलून ओपन हुआ था तो इसने ज्वाइनिंग की थी हमारे यहाँ, और ये 2 साल मेरे पास थी, और वो 2 साल थे मेरे पास जब वो थी, तो मेरी बहुत बहुत एक कहते नहीं है कि बहुत ही मजबूत स्टाफ,
मेरे साथ थी और 2 साल जब इसकी शादी हुई तो उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था जब मेरा सलून सिर्फ 1 या 1.5 साल ही हुआ था खुले हुए। फिर इसकी शादी हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ, बट भगवान की इच्छा, शादी के 17 साल बाद ये मेरे पास फिर से रिपीट हुई है और उसने कहा अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो मैं संगनी को मैं दीदी के पास ही जाऊंगी। तो फिर से मेरे पास आ गई पूजा। है कैसा एक्सपीरियंस तुम्हारा? बहुत अच्छा ना, आपके साथ वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही था कि इसको यही था, तो अब मैंने इसको जानकीपुरम की जो हमारी ब्रांच है वो मैंने इसको दी हुई है और ये वो वाली ब्रांच संभालती है। चूंकि आज यहाँ की सलून की एनिवर्सरी थी तो हमने सभी बच्चों को यहाँ पे बुलाया हुआ है। पूजा रीता, ये रीता है, ये बच्चे अभी हमारे नए हैं, इनको ज्यादा दिन नहीं हुआ, 7 से 8 महीने ही लोगों को हुआ है, पर ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये सब संगनी की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं। तो बस यही है कि मैं अपने स्टाफ से, मैं अपने बच्चों से बस यही बोलना चाहूंगी कि जब तक रहो मेरे पास, पूरी ईमानदारी, पूरी डेडिकेशन और संगनी को इसी तरीके से मजबूती से सब लोग पकड़े रहे हैं। है रीता जी, उम्मीद करें तुमसे। यस मैम। ये काजल है, ये मेरे पास पिछले 2 साल से है, लास्ट टाइम भी वीडियो में आपने देखा होगा इसको ही? हाँ। और ये बहुत अच्छी है, ये दोनों ब्रांच देखती है, यहाँ पे भी रहती है और जानकीपुरम में भी रहती है, बहुत मेहनत कर रही है अपने जो भी इसको है, बहुत मेहनत कर रही है। बस मुझे ऐसी बच्चे चाहिए जो मेहनत कर सके, संगनी को पकड़ सके और संगनी को स्टैब्लिश कर सके। संगनी को तो स्टैब्लिश किया मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको एक खड़ा किया, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने उसको ग्रिप करके रखा है, अगर मेरा स्टाफ भी उस तरीके से ग्रिप करके रखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। है ना गाजर, उम्मीद करें तुमसे। ये प्रीति है, बहुत छोटी है, उम्र में भी छोटी है और शक्ल से भी छोटी है, हम तो उसे सुंदरी बोलते हैं भाई, ये बड़ी सुंदरी है। मैं तो उससे बोलती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको कैसे छोड़ दिया है, है ना। और ये बहुत अच्छी लड़की है, इसकी शक्ल पे जाना और हाइप पे मत जाना, काम बहुत अच्छा करती है। जो भी मेरे को देख रहे हैं कभी फेशियल वगैरह इससे लेके देखिए, आप सबको मजा आएगा, है ना। तो जो काम करती है बहुत मस्त करती है, अच्छा करती है और बड़ी होशियार है। मेरी मैम बहुत अच्छी है, मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी मैम नेचर वाइज बहुत अच्छी। तारीफ कर दी मैंने। तो ये बच्चे है सब मुझे बांध के रखे हैं और मैं बताऊं कि मेरा वैसे भी ये संगनी का जो ये दरवाजा है, जब दरवाजे के अंदर से मैं आती हूँ, मैं जितना भी स्ट्रेस में हूँ, जितनी भी परेशान हूँ, पर जब मैं दरवाजे के अंदर संगनी के अंदर आती हूँ तो मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कि मुझे यहाँ पे आके अपने स्टाफ के, अपने बच्चों के साथ कितना अच्छा लगता है, जो वो फील है उसके कोई शब्द नहीं है। ये आरती है, ये मेरे लगभग 5 से 6 साल हो गया लगभग मेरे पास इसको रहते हुए, और अब ये जानकीपुरम की ब्रांच और ये अलीगंज की ब्रांच, दोनों ब्रांच में इसका रहता है ये, उसके वहाँ पे क्लाइंट्स बने हुए हैं तो उसको बुलाते तो मुझे वहाँ भेजना पड़ता है, दोनों ब्रांच ये देखती है। और हेयर इसका बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली तारीफ करूंगी कि इसने जितनी जल्दी हेयर में अपने आप को पकड़ा है, बहुत अच्छा इसने इसका हाथ है हेयर में, ब्लो ड्रायर, आपका केराटिन जो भी है, मेरे साथ केमिकल बराबर करवाती है, बहुत अच्छा इसका हाथ है। तो मतलब मैं चाहूंगी कि ये आगे इसी चीज में अपने आप को प्रमोट करे, क्योंकि जो चीज में इसको मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी लगता है कि इसको शायद हेयर में अच्छा इंटरेस्ट है, क्योंकि ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, सेटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी करती है, तो इसीलिए मुझे बड़ी पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसे गाल पे मत जाना। चलो क्या बोलोगी, कुछ बोलना चाहोगी? नहीं। चलो बस ये कि सब मेरा जो स्टाफ है वो मेरी जान है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। बस नहीं मैम। चम्मच
आप सब लोगों ने देखा कि मेरे अभी केक सेरेमनी हुई, कितना हंगामा हुआ, सब बच्चों ने कितना एंजॉय किया और मैंने बहुत एंजॉय किया. आज मैं फुल डे बहुत एनर्जेटिक रही, मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहा. मैं ये बात अलग है कि मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि थोड़ा सा बस आज धनतेरस भी था, धनतेरस की वजह से थोड़ा सलोन में ग्राउंड था. बट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ेदार हुआ, बहुत अच्छा लगा. बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हमारी धनतेरस भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गई और हमारे सलोन की एनिवर्सरी भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गई. तो अगर आप लोगों को मेरा ये एक्साइट भरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी तरीके से आप संगिनी को प्यार करते रहिए, संगिनी के चैनल को लाइक शेयर करते रहिए. थैंक यू सो मच. हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली.